यम बहुत ही यमी ये मखाना आइसक्रीम होता है एक बार तो जरूर बनाइएगा आप लोग नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अपना खान पान और ये हर शनिवार और मंगलवार को आता है आज बहुत ही स्पेशल डेजर्ट बोलिए फलहार बोलिए क्योंकि चार का नवरात्र भी चल रहा है तो ये लेकर आई हूँ मखाना आइसक्रीम मीठा मखाना आइसक्रीम बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी है तो चलिए देखते कैसे बनाते सबसे पहले सामान देख लें और मेन चीज़ है इसमें मखाना जो कि हम लेंगे पचास ग्राम मखाना सुपर फूड में भी आता है और ये है चीनी जो हम लेंगे सौ ग्राम बहुत ही थोड़े सामान में ही बन जाता है ये और ये है तिल सफ़ेद तिल सिर्फ सजाने के लिए थोड़ा सा ही चाहिए तो ये तीन आइटम से फिलहाल हम लोग शुरुआत करेंगे साथ में चाहिए दो टेबल स्पून घी तो आइए चलिए बनाते हैं कढ़ाई गरम कर ली है पहला स्टेप है ये कि हम लोग पहले दो टेबलस्पून घी में मखाना को हल्के हल्के आंच में मीडियम आंच में भी कर सकते हैं इसको हल्के हल्के भूनेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाता है तो इसको एक कटोरी में या बोल में इसको ट्रांसफर कर देंगे खाली कर लेंगे तो अभी हम लोग खाली करके एक बड़ा पैन लिया हमने उसमें शुगर को डाला है काफ़ी कढ़ाई गर्म है और इसमें फिर करीब आधा कप पानी हमने डाला है शुगर को कैरमल करना है तो धीरे धीरे इसको हम चलाते जाएंगे, और ये ब्राउन कलर हो जाएगा तो कैरमल हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको करने में और एक चीज़ है यदि आप तिल यूज़ नहीं करें तो इसको फलहार में भी आप खा सकते हैं तो ये नवरात्र हो कोई भी व्रत में भी आप खा सकते हैं और बाकी ये आइसक्रीम के साथ तो बहुत ही लगता है तो अब देखिए ब्राउन हो चुका था शुगर तो हमने मखाना ऐड कर दिया क्रिस्पी मखाना है ही पहले से बस अच्छे से मिक्स कर लेना है शुगर के साथ में थोड़ा हल्के हाथ से करना होता है ताकि आराम से मिक्स हो जाए मखाना काफ़ी हल्का होता है वेट में और एक तरफ हमने व्हाइट ट्रे में प्लास्टिक की ट्रे है आप स्टील का भी ले सकते हैं उसको पहले तेल से ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर हमने ये रेडी मखाना डाल दिया ऊपर से तिल डाल दिया है तिल छिड़क दिया है और ये देखिए ये रेडी हो गया पहला स्टेप दूसरे स्टेप में हमें कैरेमल सॉस बनाना है शुगर लेंगे 125 ग्राम और उसमें पानी डालेंगे दो टेबल स्पून और उसको ब्राउन होने तक कैरमल करेंगे और फिर इसमें क्रीम डाल देंगे 125 ग्राम और उसके साथ क्रीम जैसे ही मिल जाए तो लास्ट में बटर डालेंगे 20 ग्राम बहुत ही गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर में ही अच्छे से ये मिक्स होकर रेडी हो जाता है देखिए रेडी है तो लास्ट फिनिशिंग कर लिया जाए आइसक्रीम बोल में सबसे पहले मैंने मखाना डाला और इसके बाद ये देखिए वनीला आइसक्रीम है इसके साथ वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छा जाएगा दो स्पून मैंने दो स्पून डालिए दो स्कूप डालिए वनीला आइसक्रीम और इसके ऊपर से टॉपिंग हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने कैरामल सॉस बनाया है धीरे धीरे कोई भी डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं और ज़्यादा मीठा चाहिए ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप ज़्यादा सॉस भी डाल सकते हैं तो लीजिए आइसक्रीम तैयार है बहुत ही टेस्टी है बहुत टेस्टी बना है वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जो फर्स्ट टाइम देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू